बाबरी केस में आडवाणी, कल्याण सिंह समेत 10 बीजेपी नेताओं पर चढ़ेगा आपराधिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी करने का दिया आदेश। बाबरी केस में सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक केस चलाने के फैसले पर बोले बीजेपी नेता विनय कटियार, सीबीआई की साजिश दिया करार। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुक्त तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम से की मुलाकात, कहा बीजेपी को रोकने के लिए यह कदम है जरूरी। वीवीपैट ईवीएम से होगा 2019 लोकसभा चुनाव, केंद्रीय कैबिनेट ने खरीद को दी मंजूरी, चुनाव आयोग ने केंद्र को ईवीएम खरीद के लिए भेजा था प्रस्ताव। चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल के लिए रिश्वत की पेशकश करने के मामले में शशिकला के भतीजे पर कसा शिकंजा, दिल्ली पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, कभी भी हो सकती है गिरफ्तार। एआईए डीमको को किया गया शशिकला मुक्त, तमिलनाडु में देर रात हुए बड़े सियासी ड्रामे के बीच शशिकला के पूरे परिवार को पार्टी से किया गया बाहर, सीएम पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम के साथ आने के बाद हुआ फैसला। अखिलेश सरकार के एक और फैसले पर चला योगी सरकार का चाबुक, सूत्रों की माने तो स्मार्टफोन योजना को किया गया रद्द, योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को सस्ता स्मार्टफोन देना था। पीएम मोदी की राह पर चले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाएंगे मेक इन यूपी, सीएमओ के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी जानकारी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रगान के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, वहीं कोर्ट ने सरकार से पूछा कि संसद ने राष्ट्रगान के अपमान को अपराध घोषित करने के लिए अब कुछ क्यों नहीं किया। सत्ता में आने के बाद योगी सरकार एक्शन के मूड में है, यूपी के होनहारों को नौकरी दिलाने के लिए बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और दिल्ली मुंबई का रुख न करना पड़े इसका खास ख्याल रखा जा रहा है, और इसके अलावा सरकारी स्कूलों कॉलेजों को जल्द ही लोग एकदम बदले हुए रूप में नजर आएंगे। जल्द होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूरे विपक्ष की ओर से जेडीयू नेता शरद यादव को कैंडिडेट बनाए जाने की अटकलें हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इस साल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 20 अप्रैल को आपके 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वहीं खबर है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जानलेवा हमले में बाल बाल बचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला, बाटला हाउस इलाके में देर रात की गई 3 फायरिंग, प्रचार के दौरान झड़प के बाद किया गया हमला। अजान विवाद पर बोले सोनू निगम, कहा मेरे लिए लाउड स्पीकर बजाना है गुंडागर्दी, मैं हूं धर्मनिरपेक्ष, अपनी बात रखने का सभी को है हक। अजान ट्वीट विवाद में अपने खिलाफ जारी फतवे का सोनू निगम ने दिया जवाब, कहा घर आकर गंजा कर दीजिए, मौलवी तैयार रखना 10 लाख रुपए, पश्चिम बंगाल के एक मौलवी ने जारी किया फतवा। ट्रंप सरकार का भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका, अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों के लिए बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का आदेश किया गया लागू, H-1B वीजा के दुरुपयोग रोकने को बताया बजट। SYL के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच बातचीत होगी शुरू, कल दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में दोनों राज्यों के प्रधान सचिवों की होगी महत्वपूर्ण बैठक, केंद्र की पहल पर हो रही है बैठक। रोहतक पुलिस ने ओवरलोडिंग ट्रक से पैसे लेकर जिला क्रॉस कराने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, RTO के नाम पर ये उगाही करते थे। ग्वारा के रूखी गांव में एक महिला और एक युवक ने खुदकुशी की है, दोनों रिश्ते में चाची भतीजे बताए जा रहे हैं, खुदकुशी की वजह का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ लेकिन प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। ग्वारा पुलिस ने भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी के बाहर अभियान चलाकर 10 मंचलों को गिरफ्तार किया है, कई गाड़ियों के काटे गए चालान। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला, दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट हाइड्रोलिक फेल होने से घिस्टी, हादसे के वक्त फ्लाइट में करीब 300 यात्री सवार थे। नोएडा के सेक्टर 11 में बिजली की फैक्ट्री में लगी आग, आग से लाखों का माल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू।
मध्य प्रदेश के इंदौर में पटाखा की दुकान में लगी आग से 7 लोग जिंदा जले, एक की हालत गंभीर। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है ब्लास्ट की बड़ी वजह। नोएडा के खेतान पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों का फूटा गुस्सा, फीस बढ़ाने के खिलाफ किया प्रदर्शन, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आया कोई बात का। और पकड़ा गया दुनिया में आतंक का पर्याय अबू अल बकर बगदादी। यूरोपीय सुरक्षा एवं सूचना एजेंसियों की माने तो सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ा है लाखों लोगों की निर्मम हत्या का दोषी।